फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हिस्ट्री का सेट टू का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसमें आपके एमसीक्यूज़ को और एक नंबर के जो फिलअप्स हैं उनको सभी को। और ध्यान रखना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना, आपके सारे सेट्स सॉल्व कर दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको डाल दिया गया है। आपके जैक की जो 12th क्लास की प्ले लिस्ट है उसमें सब सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मोहनजोदड़ो का उल्लंघन किया गया है ये कब, मतलब किसने किया गया है, यानी कि मोहनजोदड़ो वाज एग्जीक्यूटेड बाई, तो ये आरडी बनर्जी थे, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो है आपका, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड जो है, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो द एविडेंस ऑफ फ्लग वाज फाउंड एट, तो कालीबंगा से ये सारे के सारे प्राप्त हुए। उसके बाद में महाजनपद कितने थे, यानी हाउ मैनी महाजनपद वर देयर, तो 16 महाजनपद थे इसमें, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, 16। इसके बाद में सांची स्थित है, तो सांची कहाँ स्थित है, सिचुएटेड कहाँ है, तो नियर भोपाल, यानी भोपाल के पास में स्थित है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, धम्म की भाषा क्या थी, तो व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ धामा, तो लैंग्वेज थी जो पाली थी, पाली राजस्थानी लैंग्वेज में पाली आता है। ठीक है, इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, तो ये आपको पता ही है भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, तो हु अपॉइंटेड धर्म महामात्र, तो अशोका ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका, सेकेंड ऑप्शन। इसका PDF लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में। तो आठवां जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता दूं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। PDF का पासवर्ड इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर की बात करें, तो नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा, वेयर वॉज महात्मा बुद्ध बॉर्न। उसके बाद में दसवां जो क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान भारत कब आया, यानी वेन डिड चाइनीज ट्रेवलर फाइयान कम टू इंडिया, तो गुप्त काल में, गुप्त पीरियड में वो आया था। उसके बाद में आपका ये आंसर के साथ में पूरा PDF मिल जाएगा आपको। और 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नए नार संत पूजा करते हैं, तो नए नार संत वर्शिप किसकी करते हैं, तो शिव की करते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के उपदेश है, बीजक इज कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ कबीर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 13वां, मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास थे, रैदास उनके गुरु थे, ध्यान रखना है आपको। इसके आगे हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, अकबर के वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल जो थे उसके वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, तो जजिया कर किस लिए लगाया जाता था, तो जिम्मियों से लगाया जाता था। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, हु हैड टू पे जजिया टैक्स, तो जिम्मियों द्वारा ये पे किया जाता था। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में थी, विच ऑफ देयर वॉज कैपिटल ऑफ अकबर किंगडम, तो लाहौर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पूछा गया आपसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन कब की गई थी, तो 1600 शताब्दी में की गई थी, यही आपके PDF का पासवर्ड है 1600, ध्यान रखना है आपको पासवर्ड क्या है। तो PDF जब डाउनलोड करोगे तो PDF का पासवर्ड पूछेगा, ये डाल देना 1600। अगला क्वेश्चन है 18वां, संथाल विद्रोह के नेतृत्व कौन थे, मतलब इसको नेतृत्व किसने किया था, लीडर कौन थे इसके, तो इसका जो हो जाएगा सिद्धू कान्हू, जो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो सब लोग सोच रहे होंगे ग्वालियर से हुआ, तो एक्चुअली ये मेरठ से हुआ था, 1857 का रिवोल्ट जो है वहाँ से प्रारंभ हुआ था। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बिहार के जगदीशपुर में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने लीड किया था 1857 क्रांति को जगदीशपुर बिहार से। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, धन प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी थे, हु एक्सपोंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1853 में की गई थी, रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853।
रौलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। रौलेट एक्ट पास्ड इन 1919 ईयर। उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया, गोपाल सिंह गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो थे उसके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर उनको कहा जाता है उनका। उसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? तो सन 1922 में लिया था इसको वापस। इसके बाद में नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके जो है मोतीलाल नेहरू और आपके सी आर दास दोनों थे। तो ए एंड बी एंड सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, कब हुआ था? क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, तो 1942 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली थी। आगे बात करें 28वें क्वेश्चन में, भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जो पिता कहलाते हैं इन्होंने ही आरक्षण का नियम लागू किया था जो आज तक चल रहा है। इन्होंने केवल आरक्षण का नियम इसलिए लागू किया था कि कोई गरीब हो, वाकई में लाचार हो, उसको आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज अधिकारों की बात होती है, आरक्षण की नहीं। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा जाता है, तो ये अब गलत है। अम्बेडकर ने तो भला कहा करना चाहा था, लेकिन अभी ये बुरा हो चुका है। 29वां जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1869 में हुआ था, 1869 में, ठीक है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट 30वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू किया गया था? तो सन 1950 में लागू किया गया था ये, और बना उससे पहले था, ठीक है। तो 26 जनवरी सन 1950 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में फिलिप्स की बात करें, तो फिलिप्स में आपका पूछा गया है श्वेतांबर दिगंबर आर रिलेटेड टू रिलीजन, कौन से धर्म से ये थे? तो जैन धर्म से ये लोग रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद में 32वां जो क्वेश्चन है, कबीर का जन्म हुआ था? कबीर वाज बॉर्न इन 1398 में उनका जन्म हुआ था। रामानंद खालिस्तान के गुरु थे, तो किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे, रामानंद वाज गुरु ऑफ कबीर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। बाबर के बाद दूसरे आए थे, तो फर्स्ट मुगल शासक कौन था? मुगल रूलर इंडिया का बाबर था। उसके बाद में जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था? तो ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी, तो कुंवर सिंह इज़ द राइट ऑप्शन, लीडिंग द रिवोल्ट कुंवर सिंह फ्रॉम द जगदीशपुर बिहार। उसके बाद में 36वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है वाजिद अली शाह खालिस्तान के नवाब थे, तो वो अवध के नवाब थे, तो वाजिद अली शाह वाज द नवाब ऑफ अवध। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो सन 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग इज इंस्टॉल्ड इन 1906। उसके बाद में चलो दिल्ली नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, चलो दिल्ली, गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, मार्च टू दिल्ली। उसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, दांडी राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में, आपको सबको पता होगा गुजरात में है, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे और उन्होंने दांडी यात्रा वहीं से शुरू की थी। दांडी इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। और 40वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? सन 1945 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप संतुष्ट रहेंगे और इसका PDF डाउनलोड करके आप आसानी से देख सकते हैं आंसर की के साथ में। बाकी के सॉल्यूशंस जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, बने रहिए इस चैनल के साथ में और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस PDF को पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आंसर की भी मिलेगी और बाकी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप इसको तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।